भोपाल में प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि मतगणना वाले दिन बीजेपी कोई गड़बड़ी ना कर सके, इसलिए सबको अलर्ट किया जा रहा है। प्रदेश में 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, उससे पहले कांग्रेस अपने जो प्रत्याशी हैं उनको ट्रेनिंग दे रही है। पहला सत्र 5 संभागों के जो प्रत्याशी हैं उनको दिया जा रहा है। जबलपुर से हमारे साथ हैं पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत जी। भनोत जी, ये प्रशिक्षण क्यों? प्रशिक्षण नहीं है, ये जो इस लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में हमारी जनता जनार्दन ने अपनी महत्वपूर्ण आहुति दी है, ये उसकी रक्षा का प्रण है। क्योंकि भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को साथ में लेकर येन केन प्रकारेण बिना जनमत के भी सरकार में बना रहना चाहते हैं, ऐसा हम नहीं होने देना चाहते हैं। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम जनता की संवैधानिक अधिकारों की भी रक्षा करें। तो ये एक चर्चा है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी भाजपा और न कर पाए। आप बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस डरी हुई है 2020 में जो हुआ उसको लेकर। 2020 में क्या हुआ? भाजपा उसको क्या बहुत बड़ा अपना कोई तमगा मानती है? 2018 में 15 साल के कुशासन को मध्य प्रदेश की जनता ने समाप्त किया। आपने पैसे के बल पर जो जनता का भ्रष्टाचार का आपने पैसा लूटा था भ्रष्टाचार करके, उसके दम पर एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराया, उसको आप क्या बहुत बड़ा गोल्ड मेडल मानते हैं? भाजपा डरी हुई है क्योंकि सारे हिसाब 17 तारीख को बराबर जनता ने कर लिए और 3 तारीख को आप परिणाम देख लीजिएगा। आपको भी तो पता है क्या परिणाम आने वाला है। क्या आपको क्या लगता है क्या चूक हो सकती है, मतपत्रों में हो सकती है, ईवीएम में हो सकती है, जिसको लेकर अलर्ट किया जा रहा है? कोई चूक हम होने नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा प्रण है कि जो जनमत है उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व बनता है। तो हम जनमत को लुटने नहीं देंगे, यही हमारा प्रण है, कोई चूक नहीं होने देंगे। जनमत को लुटने नहीं देंगे, साफ तौर पर जो है तरुण भनोत कहते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशिक्षण जो है जारी है, 10 जो संभाग हैं उनका प्रशिक्षण सुबह से शुरू हो चुका है और बाकी जो 10 संभाग हैं उनका 2:30 बजे से शुरू होगा। तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। साफ तौर पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, जिसको लेकर वह अलर्ट है। कैमरामैन हरी के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला।